सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल, ते साडे नाल जुड़े होए ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत धन्यवाद जिहड़े बहुत वड्डी गिणती दे विच साडे इस प्रोग्राम दे नाल सांझ पाउंदे ने। बहुत धन्यवाद सारे जी। डल्ला जी, खास खबरों की गल करिए, सब तो पहला जो खास खबर आप जिससे चर्चा करांगे वो सुखबीर बादल नू लैके कि आखिर वो क्यों सीट के सामने पेश नहीं होए, की कारण दिते ते उन्हां कारणां नू कीवें समझा जा सकता है। दूजे पासे पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति नू भी समझने की कोशिश करांगे कि 2024 तक कांग्रेस मजबूत होंदी नज़र आ रही है या फिर हालत खस्ता ही रहेगी। दूजे पासे दिल्ली दे विच महंगाई के विरोध में जो हल्ला बोल रैली की तैयारी की जा रही है कांग्रेस वालों, उसके सियासी समीकरण की बनते हैं आने वाले समय विच, उसनों भी समझने की कोशिश करांगे। तो डल्ला जी, सब तो पहला मैं जरूर चाहांगी कि किसी खास खबर से टिप्पणी तो तुसी अगर प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हो तो तुसी शुरुआत करो, ताकि उस तो बाद मैं अपने होर जड़े खबरों का सवालों का सिलसिला वह शुरू कर सकां। हरजोत जी, सब तो पहला मैं भारत भूषण आशू होना का मामला जरूर लेना चाहूँगा। ये पता लग्या है कि विजिलेंस ब्यूरो उन्होंने दोबारा पेश करेगी अदालत दे विच। अज 31 तरीक है, दो दिन दे पुलिस रिमांड ते भारत भूषण आशू सी, अज फिर उन्होंने दोबारा पुलिस रिमांड अदालत दे विच पेश कीता जाना है। और ये भी पता लग्या कि इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजिलेंस ब्यूरो नू संपर्क कीता है। मीडिया दे विच इस तरह दीयां रिपोर्टां आईयां ने कि विजिलेंस ब्यूरो नू संपर्क कीता इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केंद्रीय एजेंसी है जिहड़ी कि गैर कानूनी तरीके नाल पैसे दे आदान प्रदान की जांच करती है। जदों ये गल दीयां चर्चावां हो रही ने कि टेंडरां दे विच घोटाला होया, बहुत सारे लोगों अपनी मर्जी नाल टेंडर दिते गए, पॉलिसियां नू खराब करके कन्फ्यूज करके रद्द करके टेंडर दिते गए, बहुत सारे गरीब लोग जिहड़े टेंडर दे हकदार सी, पुराने तजर्बेकार सी, उन्हां नू वख कर दिता गया ते कुछ नवे लोग टेंडर जिहड़े ने लैण च कामयाब हो गए। कि टेंडर देन दे बदले सीधे या सीधे तौर पर पैसा लिया गया, कि मनी लॉन्डरिंग ये हुई है। हुण विजिलेंस ब्यूरो तो अपने पद्धर से जांच कर रही है और विजिलेंस ब्यूरो को 17-18 के करीब शिकायत भी ने पूरे पंजाब दे विच, पर इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजिलेंस ब्यूरो नू संपर्क कर लिया और पूरी जिहड़ी जांच है विजिलेंस ब्यूरो की उहदे तत्थ इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट लैना चाहूगी। और इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पूरे मामले दियां फाइलां अपने कोले लै के विजिलेंस ब्यूरो दे नाल नाल वक्रे तौर पर इस मामले की जांच शुरू कर सकती है। उहदा कारण यह है कि जिन्नी ढोआ ढुआई की जाती है, जिन्ना खर्चा अदा किया जाता है, वह सारा केंद्र सरकार वालों दिता जाता है। ये जिहड़े टेंडर सी, ये साढ़े अनाज की ढोआ ढुआई लई सी, इहदे च सारा पैसा केंद्र सरकार वालों सूबा सरकार नूं दिता जाता है या केंद्र वालों सीधी अदायगी है जिहड़ी उह कीती जाती है किसानां दे खाते च खरीद दी, और पंजाब सरकार के जरिए पैसे दते जाते हैं बाकी सारे कामों के लिए, लिफ्टिंग के लिए। सो कैश क्रैडिट लिमिट है जी, वो भी इस करके बनाई जाती है ताकि केंद्र पैसा दे और सूबा लिफ्टिंग करे। हुण इस करके इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इस मामले दखल दे रहा है, और इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इस मामले के दखल के नाल हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि की इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीधे तौर पर आ गया। ये चर्चावां ने कि इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विजिलेंस ब्यूरो नाल संपर्क किया। हुण अगर इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वखरा केस दर्ज कर लिया, उस तो बाद भारत भूषण आशू दियां चिंतावां होर वध जाणगियां, क्योंकि इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच का दायरा विजिलेंस ब्यूरो की जांच तो वड्डा हो सकता है। विजिलेंस ब्यूरो कोले कई तरह दियां दिक्कतां ने पंजाब तो बाहर जांच करन दे लई, क्योंकि यह भी मन्निया जा रहा है कि किते ना किते पंजाब जिहड़े कांग्रेस के कई लीडर, कई ठेकेदार वो तो सी, कांग्रेस के कई पंजाब तो जिहड़े बाहर लीडर सी, वह भी कितें ना कितें इन्हां लीडरां दे संपर्क च सी, कितें उन्हां ने कोई गलत तरीके नाल पैसे दी ट्रांजैक्शन तां नहीं कीती इस मामले च, कि दूजे सूबियां तों कणक लिया के जिहड़ी पंजाब वेची गई वो इलीगल तौर पर तां नहीं वेची गई, कच्चा पक्का पैसा जिहड़ा इस रूप दे विच देख रही है जिहड़ी इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। हालांकि सीधे तौर पर इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हजे तक ना तो कोई छापेमारी की है, ना हजे तक कोई केस दर्ज किया है। जानकारी जरूर लै रही है इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्योंकि शिकायतां गईयां सी जिहड़े कंप्लेनेंट ने, जिन्होंने विजिलेंस ब्यूरो नूं शिकायत कीती सी, पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं शिकायत कीती, कैप्टन अमरिंदर कोले जिन्होंने दरखास्तां भेजियां, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, भारत भूषण आशू कोले दरखास्तां भेजियां पिछली कांग्रेस सरकार वेले, चरणजीत चन्नी कोले दरखास्तां भेजियां कि इन्हां मसलियां नूं निबेड़ो, उन्होंने
इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नूं भी दरखास्तां भेजियां सी। सो विजिलेंस ब्यूरो दे नाल नाल इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोले भी शिकायतां ने। वक्रे तौर पर जदों केस दर्ज हुंदा उदों सानूं ज़्यादा जानकारी सामने आएगी, पर हुण इह पता लग्गिआ कि भारत भूषण आशू की मित्र मंडली के कई मित्र से जिहड़े उन्हां नूं सद्या गया सी विजिलेंस ब्यूरो वल्लों, उन्हां तों जमीनां दे वख-वख तरह के वपारक कागजात ने जिहड़े उन्हां बारे जानकारी हासिल की गई है। और जदों गल इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की है, अगर इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वक्रा केस दर्ज करती है तो इस मामले की जांच पंजाब दे विच होर सियासी तूफान खड़ा कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे तत्थ ने जिहड़े जांच दे विच सामने आ रहे हैं। अज एक बार फिर भारत भूषण आशू नूं पेश किया जाना है, अज विजिलेंस ब्यूरो कुछ नवे खुलासे इस मामले दे विच कर सकती है। हरजोत जी डल्ला जी, अगर गल करिए आप सुखबीर बादल की, तो SIT अगे यानी सिट अगे पेश नहीं होए, हालांकि इस पिछे सुखबीर बादल जो है अपने कारण दस रहे ने। उन्हां दा दावा है कि उन्हां नूं बहुत लेट दस्या गया, सिर्फ एक रात पहला ही उन्हां नूं जानकारी मिली जिस करके वह पेश नहीं हो सके। सो हुण उन्होंने अगे का समा भी मंगया ता कि वह जा सकन पेशी ते। उस दे नाल ही सुखबीर बादल साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी है उन्हां दे नाल सियासत कर रही है, यानी कितें ना कितें इल्जाम लगाए जा रहे ने सुखबीर बादल वालों आम आदमी पार्टी के उपर। दूसरे पासे आम आदमी पार्टी वालों कहा जा रहा है कि सुखबीर बादल पेश क्यों नहीं हुए, सवाल किए जा रहे हैं। तो ये सारी सियासत जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के विचकार, सियासत में तुसी किस तरीके नाल देखते हो? बहुत वड्डा जिहड़ा ये विशा बन चुकिया हरजोत जी। सो कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच कल सुखबीर सिंह बादल उन्होंने कह दिता सी कि उन्होंने समन नहीं मिले जिस करके वो चंडीगढ़ दे विच पेश नहीं हुए पंजाब पुलिस के हैडक्वार्टर पर। और दूजे पासे हरजोत जी सिट वालों इस तरीके का जवाब आया, सिट वालों कहा गया है कि पुलिस अधिकारी खुद समन लैके सुखबीर बादल के घर गए सी, पर इस मीडिया दे विच जो रिपोर्ट किया गया कि सुखबीर बादल ने यह कह दिता, सुखबीर बादल के परिवार वालों यह कहा गया कि वह विदेश गए हुए ने, सो वह घर दे विच मौजूद नहीं है। इस तरीके दीयां गल्लां मीडिया दे विच रिपोर्ट हो रही ने। सिट वालों कहा गया कि दो बार कोरियर राही भी समन भेजे गए पर दोवें वार समन लैन तो इनकार कर दिता गया, और एक बारी तो पुलिस का एक अधिकारी खुद समन लैके सुखबीर बादल के घर गया सी। ये गल्लां मीडिया दे विच आ रही ने, यह अपने आप दे विच हरजोत जी बड़िया हैरानीजनक गल्लां ने। सुखबीर बादल कह रहे हैं मैनू समन नहीं मिलिया, यह नहीं भी सुखबीर बादल ने कल ही किया क्योंकि कल वो जीरा गए हुए थे एक मामले दे विच अदालत दे विच उन्होंने पेश होना सी। हुण वो कहिंदे भी एक रात पहला मैनू समन देने की कोशिश की गई तो मैं उन्होंने कहा कि मैनू समा होर दिओ, तो हुण चर्चावां ने कि 14-15 दिनों बाद 14 सितंबर नू जा सकते ने सुखबीर बादल, ये चर्चावां ने। ऑफिशियल कन्फर्मेशन मेरे कोल हजे नहीं है, पर हैरानी वाली गल ये है कि सिट वालों अगर सिट वालों अफसर भेजे गए सी या दोनों वार समन लैन तो इनकार किया गया तो सिट नूं भी उदों ही गल सार्वजनिक कर देनी चाहीदी सी पहले ही। तो सुखबीर बादल जदों लगातार ही कह रहे सी कि मैनू समन नहीं मिले, मैनू समन नहीं मिले, उदों इंज लगता सी कि ये हुण 30 तरीक नूं ही पता लगेगा पेशी वाले दिन कि की सुखबीर बादल उन्हां नूं समन मिले ने या नहीं मिले। सो हजे भी यह मामला बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला बनिया होया। कल खूब इहदे ते सियासत होई दब के, आम आदमी पार्टी वालों लगातार बयान दिए गए उन्होंने बुलारियों वालों भी, उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल भज रहे ने, जान बुझ के पेश नहीं हो रहे, उन्होंने नीयत साफ नहीं है, और कितने ना कितने अकाली दल वालों कहा गया कि जान बुझ के सुखबीर बादल नू या अकाली दल नू साजिशां तहत घेरन की व्यौतबंदी बनाई जा रही है, और जान बुझ के सुखबीर बादल नू इस मामले दे विच घड़ीसिया जा रहा। हालांकि सुखबीर बादल ने कल जीरे च बयान दिता कि मैं किसी भी समय पेश हो जाऊँगा, जदों मैनू हुण नवां समां मिलेगा तो मैं उत्थे चलिया जाऊँगा। और इस तो पहला भी एक बार सुखबीर सिंह बादल पेश हुए सी, और सानूं यह भी पता है कि कुछ दिन पहला सुमेध सिंह सैनी तो भी पूछगिछ की गई सी, और सुमेध सैनी भी पंजाब पुलिस हैडक्वार्टर का जिहड़ा मुख दफ्तर है सैक्टर 32 दे विच उत्थे पेश हुए सी। असल च अक्तूबर 2015 च फरीदकोट दे विच बेअदबी दे मामले होए सी, जिस तों बाद सिख भाईचारे दे लोक विरोध कर रहे सी, और उत्थे ही कोटकपुरा गोलीकांड वापरिया सी जदों शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे सिखां ते फायरिंग की गई। हुण अज तक साडी पुलिस यह नहीं लभ सकी कि फायरिंग करन वाले मुलाजम कौन सी और फायरिंग करन दा हुक्म किसने दिता सी। DGP सुमेध सैनी सी, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल।
2015 तो लैके 2022 अज 7 साल हो गए, अज तक यह नहीं पता लग्या कि गोलियां किसने चलाईया। पुलिस को गोलियां का रिकॉर्ड है, अज तक यह नहीं पता लग्या कि हुक्म किसने दिते सी। सो ये तो असं अंदाजा ला सकते हैं कि किस पद्धर से सियासत हुई है। पर कैप्टन अमरिंदर भी बहुत पवित्र गुटका साहब हाथ च लैके उन्होंने वड्डिया वड्डिया कसम खादिया, पर वह भी कैप्टन अमरिंदर भी कितना कितने एक अनऐलानी जी सांझ पुगा के चले गए ने 4.5 साल का अपना कार्ज भाग भोग के। सो ये मामले हजे भी उत्थे ही फसे हुए ने। बाकी वेखदे हां हुण सुखबीर बादल कदों पेश हुंदे ने ते समन जिहड़ी पुलिस है वह किवें भेजदी है, जिहड़ी सिट है वह समन किवें भेजदी। जी डला जी, अगर आप गल पंजाब कांग्रेस पार्टी की कर लीए तो कांग्रेस विच विरोधी बयान का सिलसिला लगातार ही जारी है, जो कि रुकन का नाम नहीं लै रहा। कांग्रेस के बहुते सीनियर लीडर ने जोड़े वो एक दूजे को सुझाव तो जरूर दे रहे हैं, तो मीडिया के विच भी जो अपनी अपनी गल रख रहे हैं, तो तुसी की कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत अगर आप पिछले समय में भी देखिए उदों तो ही कांग्रेस के एक अंदरूनी फुट जरूर नज़र आ रही थी, जो कि अज के समय में सही होने की थान फुट बढ़ती ही नज़र आ रही है, बयान तरह तरह के दिते जा रहे हैं। सो 2024 तो पहला की लगता है पंजाब कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बन सकेगी या फिर उदों तक पार्टी जी पार्टी है कांग्रेस पार्टी खेरू खेरू होंगी ही नज़र आएगी, मतलब अपनी मजबूती कायम नहीं कर सकेगी? देखो ये कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के अक्सर ही सानू फुट देखने को मिलती है। 2022 दी चोणां तो पहला भी असी देखिया कांग्रेस के काफ़ी ज़्यादा फुट रही, लीडर की आपस च सहमति नहीं बनी। नवजोत सिंह सिद्धू नूं जदों प्रधान बनाया गया एक वारी तो सारी लीडरशिप नवजोत सिंह सिद्धू के आले दुआले सी, पर जदों ही केंद्रीय लीडरशिप ने चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाता तो बहुत सारे लीडर नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय चरणजीत चन्नी आले पासे हो गए। तो जदों चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानिया गया उस तो बाद पंजाब कांग्रेस बुरे तरीके नाल वंडी गई, और उहदा नतीजा है कि पंजाब च कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे जिहड़े इल्जाम लाए सी नवजोत सिंह सिद्धू ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का पक्ष पूरदे रहे, बीजेपी नूं भी कोई फायदा नहीं होया, सिर्फ दो सीटां बीजेपी दी आईयां, कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का कोई फायदा नहीं होया, और फायदा आम आदमी पार्टी लै गई, अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई का। और हुण भी चोणां तों बाद नवें जदों प्रधान बने राजा वड़िंग तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं नोटिस जारी किया गया, उदों कांग्रेस ये दिखा रही थी कि असी बहुत डिसिपलिन आ, हुण असी किसी नूं मौका नहीं देना डिसिपलिन तोड़न का। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने डिसिपलिन नहीं सी तोड़िया, नवजोत सिंह सिद्धू का कसूर यह सी कि वह ईमानदार है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस यह गल कहती सी कि कैप्टन राज च माफिया राज चलिया, चरणजीत चन्नी वेले भी माफिया चलिया, और हुण वह माफिया एक्सपोज हो रहा है। जदों माफिया एक्सपोज हो रहा है तो उदों कांग्रेस दे विच एक बारी फिर कई तरह के झगड़े पैदा हो गए ने। हुण भारत भूषण आशू जिहड़े साबका मंत्री आ उन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद जदों सारिआं दा ध्यान सिर्फ भारत भूषण आशू दे हक च धरना मारन ते सी, हालांकि वह धरना भी हुण चक्किआ गया, बहुत सारे लीडर यह भी कहिंदे ने जिहड़े बहुत सारे सूत्र ने सरकारी अफसर कैमरे तो बिना यह भी कहिंदे ने कि अगर भारत भूषण आशू दे हक च धरना मारन वाले लीडर ना उठदे तो उन्हां दे खिलाफ भी कईआं दे सबूत सी, और उन्हां चों कईआं नूं असीं पुछगिछ लई सद भी रहे हां। शायद ये भी एक कारण रहा कि बहुत सारे कांग्रसी धरना छड़ के चले गए कि कितें विजिलेंस ब्यूरो सानू भी पुछगिछ लई समन ना कर दे, और जदों डर इस गल का पै गया कि जांच ईडी तक जा सकती है तो फिर धरना मारन वाले हुण गायब ने। हुण भारत भूषण आशू के हक च ना तो कोई वड्डा धरना नज़र आ रहा है, ना ही कोई बहुत वड्डे उन्हां दे पुराने साथी समर्थन च उन्हां दे नज़र आ रहे ने। इत्थों तक पता लग्गिया कि कई कौंसलर उन्हां दे हल्के दे वह भी दूजी पार्टियां दे लीडरां दे संपर्क च आ गए ने। सो इस करके भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी तो बाद सनसनीखेज माहौल है जिहड़ा कांग्रेस च बने है। और सुखपाल खहरा ने जिहड़ी सलाह दित्ती सी राजा वड़िंग नूं पसंद नहीं आई, हरीश चौधरी उन्होंने उस तो बाद कल बयान दिता, कल चंडीगढ़ दे विच एक मीटिंग सी क्योंकि हल्ला बोल रैली करना चाहती है कांग्रेस 4 तरीक नूं, उहदे लई तैयारी सी। प्रताप बाजवा राजा वड़िंग सारे आए। सब तो पहला हरीश चौधरी की गल सुनते हैं, कांग्रेस की फुट पर हरीश चौधरी ने की बयान दिता। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं सर, कांग्रेस में बहुत सारी चीजें आपसी रंजिशें बहुत देखने को मिलती हैं, लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रहेगी, लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे इतने? नहीं, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के इश्यूज पर क्लियरिटी है, ग्राउंड पर कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, असेंबली के फ्लोर पर बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने यूनाइटेडली। मनीष तिवारी की किससे नाराजगी?
मेरे को तो ऐसे कोई नाराजगी उन्होंने साझा नहीं करी, आपसे अगर करी हुई तो मुझे आप बताना क्या ग्रीवेंसीज है। और शशि थरूर जी का नाम सामने आ रहा है, राहुल गांधी नहीं, कोई 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 भी कर सकता है, कोई भी नॉमिनेशन भर सकता है, जो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया उसको पूरा करेंगे तो कोई भी भर सकता है, ये ओपन है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लॉबी बैक कर रही है शशि थरूर को कि वो प्रेसिडेंट, ये कौन बता रहा है? सोर्सेज नहीं, सोर्सेज कौन से नहीं, सोर्सेज थोड़ी होते हैं, अननेम सोर्सेज। हरिजीत सुखपाल सिंह, ये कोई हैं नोटिस किया गया है? कौन सा नोटिस आपके तरफ से कोई नोटिस किया गया है? कोई नोटिस किया गया तो मुझे उसकी प्रति बताया, और परिवार के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, ये मेरे को सभी को सलाह है आपके माध्यम से, कोई भी बात हुई, कोई राय हुई, वो विद इन फैमिली पार्टी के अंदर रखनी चाहिए, ये इंटरनल परिवार की हर चीज़ क्या मोहल्ले में बताई जाती है, गांव में बताई जाती है, ये परंपरा पंजाब की नहीं है, परिवार की बात परिवार में, ये पंजाबियत है, और पंजाब पंजाबियत के विरोध में जाकर हम लोग कोई नया क्रम शुरू करें तो शायद ये ठीक चीज नहीं है। वैसे अगर गल असी कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं तो डल्ला जी, पंजाब विच तो चलो जिस तरह की स्थिति चल रही है, अगर दिल्ली की गल करिए तो दिल्ली विच महंगाई नू लेके हल्ला बोल रैली की तैयारी भी की जा रही है कांग्रेस वालों, कल चंडीगढ़ विच मीटिंग की जाती है कांग्रेस पार्टी वालों, जिस विच राजा वड़िंग, हरीश चौधरी, प्रताप बाजवा पहुँचते हैं, पार्टी के कई वर्कर भी पहुँचते हैं, काफ़ी वड्डी गिनती विच अमला मीनस उत्थे इकट्ठा हुंदा सारा। सो इस मीटिंग का असर की होगा, क्योंकि मीटिंग तो बाद राजा वड़िंग दे जो भी बयान आए ने उस उन्होंने आप किस तरीके वेख सकते हो, की लगता है कि मजबूत विरोधी धिर वालों धिर वजों उभरेगी कांग्रेस पार्टी? अगर आप केंद्र की भी गल करते हैं तो की भाजपा के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी अपने विरोधी धिर की एक मजबूत भूमिका जो है कायम कर सकेगी? सवाल बहुत सारे आ जाते हैं। हरजोत जी, आखिरी तुहाडा जिहड़ा सवाल है, बिल्कुल हल्ला बोल रैली लई कांग्रेस तैयारी कर रही है, और राजा वड़िंग, प्रताप बाजवा, हरीश चौधरी और कांग्रेस के होर मौजूदा विधायक और सबका लीडर और संगठन के लोग इकट्ठे हुए बहुत वड्डी मीटिंग की, 4 सितंबर नूं दिल्ली दे विच हल्ला बोल रैली का प्रबंध किया जाना है कांग्रेस वालों, और कांग्रेस के लीडरों का कहना है, प्रताप बाजवा और राजा वड़िंग ने भी किया कल, कहिंदे प्लैन नहीं हैगा ना आम आदमी पार्टी कोल, नरेंद्र मोदी कोल, इन दोनों को कोई ठोस योजना नहीं है देश में तरक्की लैके जाने की। देखो एक गल समझ आती है कि जदों कांग्रेस का राज रहा पिछले 10 साल, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री होना एक पासे, तो दुनिया के सारे अर्थशास्त्री एक पासे, मैं ये मानता अगर कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होंगे तो शायद स्थितियां देश दी बहुत खराब हो जानियां सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो ओबामा वर्गे राष्ट्रपति सलाह लेंदे सी, सानू सारयां नू पता है, सो बड़े काबिल साढ़े प्रधानमंत्री से, बहुत वड्डे अर्थशास्त्री से, जिहड़ा जिहड़े जिहड़ा कौमी साढ़े जिहड़े बैंक ने वह भी उन्होंने सलाह लेंदे सी, और वर्ल्ड बैंक के भी एक वड्डे अहुदे ते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लंबा समा सेवावां दित्तियां ने, खजाना मंत्री रहे साढ़े जदों TV नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से, और उस तो बाद बीबी सोनिया गांधी जदों प्रधान सी ते उदों प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल रहे। सो कांग्रेस को सिर्फ यही गल है कहने कि साढ़े को मनमोहन सिंह है या साढ़े को मनमोहन सिंह सी, इस करके कांग्रेस को पॉलिसियां बनाउणियां आउंदियां ने। असल च कांग्रेस ने भी अपने राज वेले कई तरह के जड़े ने कमियां छड़ियां, कांग्रेस वेले भी कई तरह के घुटालिया के इल्जाम आए, भावें कई घुटाले साबित नहीं हुए अदालतों च, पर वक्ती तौर पर उन्होंने देश का नुकसान बहुत होया। कल तैयारी मीटिंग सी, तैयारी मीटिंग तो बाद राजा वड़िंग ने की किया, और BJP और कांग्रेस की आर्थिक नीतियां के फर्क च की किया, और प्रताप बाजवा ने की किया, और आम आदमी पार्टी नूं किवें निंदिया इन्हां लीडरां ने, यह भी एक बार सुना दी। अल्लाह बोल ते हर सूबे दे विच कांग्रेस का यूनिट जिहड़ा महंगाई का मुद्दा है या अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, ये तो सारे हिंदुस्तान का साझा मुद्दा है, स्टेट यूनिट्स, CLP लीडर, सारे ही सीनियर लीडरशिप अपने अपने, असीं सारे पंजाब च निकलांगे, जिहड़ा हिंदुस्तान नूं जोड़न वाला काम है वह भी बेसिकली लोगों नूं लामबंद कर रहे हैं, लोगों नूं अपने नाल जोड़ रहे हैं, विशेष तौर नौजवान पीढ़ी नाल अज जोड़न की लोड़ है। जितों तक महंगाई जा चुकी है, हर गरीब आदमी कहिंदा किहड़ी पार्टी है जिहड़ी साडी गल भी करे, अपनियां गल्लां बातां बाकी तो होंदियां रहिंदियां ने, बट लोगों की गल जिहड़ी है तो असीं आंदे टाइम दे विच हुण यही काम शुरू कर लगे।
देखो 4 तरीक न शायद रैली हैगी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली जी वो संबंध के डिस्कशन लिए जो इतने जी प्रगट जी एक बार फिर कांग्रेस के अगर देखिए कि हम फुट की गल सामने आ रही कोई यहोजी गल नहीं है। देखो माड़े मोटे दो भांडे होंगे कितने ना कि बोल पेंदे है सो मैनू नहीं लगता कोई मेजर प्रॉब्लम हैगी लोगों को अपने नाल जोड़ना विशेष तौर नौजवान पीढ़ी नाल अज जोड़न की लड़ है जितों तक महंगाई जा चुकी है हर गरीब आदमी कहता कि पार्टी है जी साड़ी गल भी करे अपन गलों बात बाकी तो होंगे रही बट लोगों की गल जी है तो असं आते टाइम के यही काम शुरू कर लगे कल अलोक शर्मा जी इतने पहुंचे थे उन्होंने कहा कि जी केंद्र दियाँ पॉलिसीज़ ने वो गलत ने ते उस तो बाद उन्होंने कहा कि जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने वो गलत ने तुहाडे को अल्टरनेटिव्स है सोल्यूशन है कांग्रेस सरकार को कि जेकर महंगाई इन्हां दे कारण वध रही है तो कटाई इस तरीके नाल जा सकती है 110% है जी कांग्रेस 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह वेले तुसीं आप वेख्या महंगाई कंट्रोल च रही है तो जिनी भी तरक्की हुई हिंदुस्तान तुसीं वेख दो वड्डे पैमाने ते जे ओ लोक लखां हज़ारां तो लखां पति होए लखां तो करोड़ां पति होए एंड तकरीबन 26 करोड़ आदमी जिहड़ा पहले है सी गरीबी की रेखा च असीं उत्ते उन्हां नूं अगे नालों उन्हां दे हालात फाइनैंशली बेहतर होए ते ओ डॉक्टर मनमोहन सिंह वेले होए ने सारियां ही राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट दूसरियां चौथियां चीज़ां जिहड़ियां ने सारियां गवर्नमेंट ने दित्तियां एजुकेशन का दिता राइट टू इनफॉर्मेशन का दिता राइट टू फूड का दिता सो इस गल कर लोग हुण चाहते ने कि चंगी जमात आए जिहड़ी सैकुलर भी होए नैशनलिस्ट भी होए बड़ी वड्डी गल है कि भाजपा ने इस टाइम नैशनल फ्लैग पढ़ लिया 70-75 साल तो नैशनल फ्लैग वाले पास कभी ध्यान नहीं दिता सो ये इस गल कर ये सारे मुद्दों पर असी पंजाब के बहुत सारिया यहोजी चीज़ा ने जिहड़ियां आप दी गवर्नमेंट ने लोगों नू ये वादे किए तो अखीर च खत्म करन तो पहला हरजोत जी मैं चाहूँगा कि कुछ पोलीटिकल रिएक्शन ने वो भी जरूर सुना दिए और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने एक बयान भी जरूर सुना दिए गुरु 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 हर राय जी का इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा अंब साहब में आज हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्यों ने एक साथ अरदास की है। ये अरदास पंजाब की खुशहाली के लिए है, ये अरदास पंजाब की समृद्धि के लिए है, ये अरदास इस अमृत काल में देश को नया भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब लोग जो इस अभियान में जुटे हैं हम सब लोग सफल हों इसके लिए अरदास की। गजेंद्र जी पंजाब दे विच कहा जा रहा है कि ढांचे दे विच कुछ बदलाव किया जा सकता है कोई गलबात इस चीज़ लेके हुई है पंजाब दे बीजेपी ढांचे दे देखिए संगठन में ये निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर बदलाव संगठन में बेहतरी के लिए होते रहने चाहिए। बदलाव तुरंत होने वाला है ये नहीं, ऐसे टिप्पणी में नहीं करना चाहता लेकिन संगठन की ये नित्य निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया जो है वो परंपरा है और बदलाव हमेशा श्रेयस्कर ही होते हैं अच्छे ही होते हैं इसलिए ये हो ऐसा अवश्यंभावी नहीं है कि आज ही होने वाला है लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला जी तुहाडा कि तुसीं इन्हां सारियां खबरां दे उपर पूरी जानकारी खबरां दी पड़ताल करके सही जानकारी दर्शकां दे नाल सांझी कीती है। दर्शकां दा वी धन्यवाद करदे आं हमेशा प्रोग्राम दे नाल जिहड़े जुड़दे ने अपने सुझाव कमेंट्स दे जरिए साडे नाल सांझे करदे ने ते इस दे नाल ही हुण मैनूं यानी कि हरजोत कौर नूं वी दिओ जी इजाजत। धन्यवाद बहुत धन्यवाद हरजोत जी बहुत बहुत धन्यवाद।